Hello students, today we are going to start with part 1 of the product approach. The product approach defines a nation's gross domestic product GDP as the market value of final goods and services newly produced within a nation during a fixed period of time. इस definition में जो यहाँ पर कहा गया है कि प्रोडक्ट अप्रोच जो है वो नेशन के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिफाइन करता है. कैसे? सबसे पहला जो आपको फोकस करना है वो किस पर? मार्केट वैल्यू. सेकंड थिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. थर्ड न्यूली प्रोड्यूस्ड. तो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है जब हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की यूजिंग प्रोडक्ट अप्रोच. सबसे पहली चीज मार्केट वैल्यू, दूसरी बात ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड थर्ड वन न्यूली प्रोड्यूस्ड. व्हेन वी आर सेइंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द वर्ड यूज्ड हियर इज डोमेस्टिक. डोमेस्टिक मींस विद इन अ नेशन. ओके, डोमेस्टिक मींस विद इन अ नेशन ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर? इन दिस पार्ट वी विल फोकस ऑन द मार्केट वैल्यू. दैट व्हाट इज मार्केट वैल्यू, व्हाट इज इट्स एडवांटेज, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग मार्केट वैल्यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ मार्केट वैल्यू. गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड इन जीडीपी एट देयर मार्केट वैल्यूज, दैट इज एट द प्राइसेस एट विच दे आर सोल्ड. तो जब हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, जो काउंट होते हैं जीडीपी में, वो काउंट होते हैं एट देयर मार्केट वैल्यूज. मार्केट वैल्यूज का मतलब एट द प्राइसेस एट विच दे आर सोल्ड इन द मार्केट. क्लियर? द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मार्केट वैल्यूज इज दैट इट अलाउज एडिंग द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. हम कह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट अप्रोच में मार्केट वैल्यूज को यूज करते हैं टू मेजर द जीडीपी. जीडीपी इज मेजर्ड एट मार्केट वैल्यूज. इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है दैट इट अलाउज एडिंग समिंग अप द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. कैसे? इमेजिन फॉर एग्जाम्पल दैट यू वॉन्ट टू मेजर द टोटल आउटपुट ऑफ एन इकॉनमी दैट प्रोड्यूसेस 7 कार्स एंड 100 पेयर ऑफ शूज. एक इकॉनमी है, उसने प्रोड्यूस की है 7 कार्स एंड 100 पेयर ऑफ शूज. आपको मेजर करना है टोटल आउटपुट ऑफ एन इकॉनमी. ठीक है, इकॉनमी ने क्या प्रोड्यूस किया? 7 कार्स एंड 100 पेयर ऑफ शूज. आपको मेजर करना है टोटल आउटपुट ऑफ एन इकॉनमी. अगर मैं इस तरीके से मेजर करूं उसे, 7 कार्स प्लस 100 पेयर्स ऑफ शूज इक्वल टू 7 प्लस 100 विल बिकम 107. एडिंग द नंबर ऑफ कार्स एंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज वुडंट मेक मच सेंस बिकॉज कार्स एंड शूज आर नॉट ऑफ इक्वल इकोनॉमिक वैल्यू. ये जो हमने किया है ये सरासर गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज कार्स एंड शूज आर नॉट ऑफ इक्वल इकोनॉमिक वैल्यू. मैंने ये तो नहीं कहा था कि कार्स और शूज की इक्वल इकोनॉमिक वैल्यू है, तो किस बेसिस पे मैंने लिख दिया दैट 7 कार प्लस 100 पेयर ऑफ शूज इज 107? इट इज रॉन्ग. बट suppose that each car sells for $20,000 and each pair of shoes sells for $60. अब अगर लेकिन हम इसे define कर दें यहाँ पर market value, इसको हम दे दें market price, हम अगर इसका set कर दें that each car sells for $20,000 and each pair of shoes sells for $60. Then what will be the value of cars produced? 7 cars were produced by an economy, right? 7 times and each car sells for $20,000. So 7 times $20,000 will be equal to $141,230, right? $140,000, right? Next, value of shoes produced. I think 100 pairs of shoes were produced, right?
एंड ईच पेयर ऑफ शूज सेल्स फॉर $60. सो 100 टाइम्स $60 विच विल बिकम $6,000, राइट. टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन और GDP, व्हाट विल बी द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, और वी कैन से सिंपली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सिंपल है, इसे आप ऐड कर दीजिए. अगर मैं यहां पे थोड़ा इसको ऐसे लिख दें, 6000, आपको ऐड करने में आसानी रहेगी. अब इसको सिंपल ऐड कर दीजिए आप, कितना हो गया ये $46,000. दिस इज द वैल्यू ऑफ GDP. सो एज वी हैव सीन दैट हाउ द मार्केट वैल्यू हेल्प्स अस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन विच इज GDP. जब हमने मार्केट वैल्यू डिफाइन कर दी थी यहाँ पे, तो हम इसकी मदद से हमने कैलकुलेट किया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन विच इज $146,000. ठीक है, तो बेसिकली यही एडवांटेज है ऑफ यूजिंग मार्केट वैल्यू, दैट इट अलाउज अस एडिंग द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेस. नाउ वी हैव सीन इट्स एडवांटेज, नाउ वी विल सी इट्स प्रॉब्लम. अ प्रॉब्लम विद यूजिंग द मार्केट वैल्यू टू मेजर GDP इज दैट सम यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट सोल्ड इन फॉर्मल मार्केट्स. अब इसकी एक प्रॉब्लम भी है मार्केट वैल्यू के, एडवांटेज तो हमने देख लिया. प्रॉब्लम क्या है, कुछ यूजफुल गुड्स या सर्विसेज ऐसे होते हैं जो फॉर्मल मार्केट्स में सोल्ड होते ही नहीं है. अब जब वो मार्केट में आएगा ही नहीं, अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में एंटर ही नहीं करेगा, तो कैसे हम मार्केट वैल्यू को यूज करेंगे टू मेजर GDP, क्योंकि वो गुड या सर्विस तो मार्केट से होके गया ही नहीं, इट इज नॉट सोल्ड इन द फॉर्मल मार्केट. सो हाउ वी विल यूज द मार्केट वैल्यू टू मेजर द GDP, दिस इज इट्स प्रॉब्लम. बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग रिलायबल मेजर्स, सम नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज सिंपली आर इग्नोर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP. तो क्योंकि रिलायबल मेजर्स को ऑब्टेन करने की जो डिफिकल्टी है, उस वजह से कुछ नॉन मार्केट गुड्स या सर्विसेज सिंपली इग्नोर हो जाते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP. कौन से नॉन मार्केट गुड्स या सर्विसेज की बात कर रहा है ये? फॉर एग्जाम्पल, होम मेकिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड विद इन द फैमिली विदाउट पे आर नॉट इंक्लूडेड इन GDP. बात तो सही है, अगर जो हमारे घर पर हमारी मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, जो वो ये सर्विसेज परफॉर्म करती हैं, दे आर नॉट पेड फॉर इट, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन GDP. ऑल्दो होम मेकिंग एंड चाइल्ड केयर दैट आर प्रोवाइडेड फॉर पे बाय प्रोफेशनल हाउस क्लीनर और बाय प्राइवेट डे केयर सेंटर्स आर इंक्लूडेड. जबकि अगर यही होम मेकिंग या चाइल्ड केयर सर्विसेज जो हैं, अगर ये हम हायर करते हैं कोई प्रोफेशनल हाउस क्लीनर को या प्राइवेट डे केयर सेंटर्स को, दे आर पेड फॉर इट एंड दैट इज अ रीजन दे आर इंक्लूडेड इन GDP. सिमिलरली, बिकॉज द बेनिफिट्स ऑफ क्लीन एयर एंड वॉटर आर नॉट बॉट एंड सोल्ड इन मार्केट, therefore, actions to reduce the pollution or otherwise improve environmental quality usually are not reflected in GDP. क्योंकि जो benefits हैं clean air या water के, वो market में खरीदे या बेचे नहीं जाते. इसीलिए जो actions होते हैं to reduce pollution या फिर environmental quality को जो improve करने के जो actions होते हैं, they are not reflected in GDP. द अंडरग्राउंड इकॉनमी इंक्लूड्स, अंडरग्राउंड इकॉनमी क्या होती है? अंडरग्राउंड इकॉनमी में दो चीजें आती हैं. फर्स्ट वन, लीगल एक्टिविटीज विच आर हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉर्ड कीपर्स. फॉर एग्जाम्पल, टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस और कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, राइट. अब ये लीगल एक्टिविटी है विच इज हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉर्ड कीपर, कि भाई टैक्सेस को बचा लिया, ठीक है. सेकेंड वन, इलीगल एक्टिविटीज सच एज ड्रग डीलिंग, प्रोस्टिट्यूशन एंड गैम्बलिंग. तो आपको ये दो बातें याद रखनी है कि अंडरग्राउंड इकॉनमी में दो चीजें आती हैं, एक लीगल एक्टिविटीज और दूसरा इलीगल एक्टिविटीज. गवर्नमेंट स्टैटिस्टिशियंस आर अनेबल टू रिलायबली एडजस्ट GDP फिगर्स टू इंक्लूड द एस्टिमेट्स ऑफ द अंडरग्राउंड इकॉनमी साइज, बट दे डू मेक सम एडजस्टमेंट फॉर द अंडर रिपोर्टेड इनकम. अगर हम गवर्नमेंट स्टैटिस्टिशियंस की बात करें, दे आर अनेबल टू रिलायबली एडजस्ट द GDP फिगर्स टू इंक्लूड द एस्टिमेट्स ऑफ द अंडरग्राउंड इकॉनमी साइज, बट स्टिल वो कुछ एडजस्टमेंट कर देते हैं फॉर दिस अंडर रिपोर्टेड इनकम.
a particularly important component of economic activity that does not pass through market. एक और ऐसा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मार्केट से होके पास, मतलब जो मार्केट से पास नहीं होता, इज द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सच एज डिफेंस, पब्लिक एजुकेशन, बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस. तो इसमें वो ये कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ सर्विसेज होती हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि डिफेंस हो गया, पब्लिक एजुकेशन हो गया, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस हो गया, इट डज नॉट पास थ्रू द मार्केट्स. अब अगेन वही प्रॉब्लम है कि जब ये मार्केट से पास नहीं होगा तो कैसे हम मार्केट वैल्यूज को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट जीडीपी. द फैक्ट दैट मोस्ट गवर्नमेंट सर्विसेज आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट इंप्लाइज अ लैक ऑफ मार्केट वैल्यूज टू यूज व्हेन कैलकुलेटिंग द गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी. अब यही वो पॉइंट है जो अभी मैंने आपसे कहा कि काफी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज ऐसी होती हैं जो मार्केट से पास नहीं होती, जो अभी हमने रीड की थी, जैसे कि डिफेंस हो गया या फिर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस हो गया. तो ये सब जो चीजें हैं ये मार्केट में सोल्ड नहीं होती, मार्केट से पास नहीं होती. अब जो चीज मार्केट में ही नहीं आएगी, मतलब इट इंप्लाइज अ लैक ऑफ मार्केट वैल्यूज टू यूज, हम कैसे मार्केट वैल्यूज को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी. In this case, the solution that has been adopted is to value the government services at their cost of production. तो यहाँ पर जो हम solution लगा सकते हैं वो ये है कि हम government services की value को measure करें at their cost of production. Thus, the contribution of national defense to GDP equals the government's कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डिफेंस. तो अगर अब हमें ये कॉन्ट्रीब्यूशन मेजर करना है कि जो गवर्नमेंट ने नेशनल डिफेंस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इट विल बी इक्वल टू द गवर्नमेंट्स कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डिफेंस, कि गवर्नमेंट को कितनी कॉस्ट पड़ी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेशनल डिफेंस इन टर्म्स ऑफ सैलरीज ऑफ सर्विस एंड सिविलियन पर्सनल, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द वेपन्स एंड बेसिस एंड सो ऑन. तो मेनली जो कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पे वो ये है कि काफी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो मार्केट से पास होकर नहीं गुजरती, जिस वजह से इट इंप्लाइज अ लैक ऑफ मार्केट वैल्यूज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी. इन दिस सिचुएशन द सॉल्यूशन इज दैट वी विल मेजर द वैल्यू, दैट वी विल मेजर द वैल्यू ऑफ दैट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग, बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग. जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डिफेंस, कि कॉस्ट क्या है, सैलरीज ऑफ सर्विस एंड सिविलियन पर्सनल, या फिर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द वेपन्स एंड बेसिस. तो इस बेसिस पे हम देख सकते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल डिफेंस टू जीडीपी. क्लियर? सिमिलरली द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक एजुकेशन टू जीडीपी is measured by the cost of teachers' salaries, new schools, equipment and so on. तो इसीलिए अगर हम बात करें contribution of public education, the government education to GDP, वो आप कैसे measure करेंगे? By the cost of providing the public education. Cost of providing public education में क्या क्या आ जाएगा? Teachers' salaries, new schools and equipment and so on. ठीक है? कि जहां पर मार्केट वैल्यू यहां पे लैक कर रही है, मार्केट वैल्यू से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कंट्रीब्यूशन, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, जो भी सरकार ने वो सर्विस प्रोवाइड की है उसको प्रोवाइड करने की कॉस्ट क्या थी, उसके थ्रू हम वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो मेजर कर सकते हैं. क्लियर? थैंक यू.